मेघा गुलेरिया के कदम खामोशी में लिपटे हुए थे। खामोशी में लिपटा हुआ था उसके दिल में छुपा हुआ दर्द। खामोश बिना एक आवाज किए, खामोशी से ही एक फैसला लिए मेघा उस रात अपने ससुराल से निकल गई। और अपने 4 साल के बेटे जगत को पीछे छोड़ गई थी। उसने जाते जाते एक आखिरी बार अपनी ननद कंचन गुलेरिया, ससुर रणचोड़ गुलेरिया और सास पार्वती गुलेरिया को देखा। फिर बाहर निकल गए, अपने घर से दूर, अपने अंदर के समेटे हुए दर्द से दूर। लेकिन उस रात उसका उठाया ये एक कदम आगे कई जिंदगियां तबाह करने वाला था। मेघा गुलेरिया ने ये कदम क्यों उठाया था? वो आखिर कैसी जिंदगी जी रही थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने अपनी ही जान लेने के बारे में सोचा? क्या उस रात मेघा गुलेरिया ने आत्महत्या करने के अपने फैसले को अंजाम दे दिया था? इस रात से पहले दिन के उजाले में आखिर मेघा गुलेरिया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह का कठोर कदम उठाने जा रही थी? जगत, जगत रुक, दूध पी ले बेटा। क्या कर रहा है बेटा? बहुत सारा काम है, ऐसा मत कर। छोड़ नहीं, 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 पहले दूध के लिए बहुत काम है। दूध पी ले, बहुत सारा काम है, पी ले बेटा। नहीं बेटा, आई मासा। इतनी देर हो गई, ले मैंने सब्जी काट दी है। ये सब काम तुझे करना चाहिए ना। जा जल्दी से खाना बना और भजन के बापू को खेत में दे। बाबूजी चल आगे से जल्दी आना। सुन रुक जरा, अरे कुछ खाकर जा। हाँ बैठ। बाबूजी वो घर पे बहुत काम है, मैं घर पे खा लूंगी। कैसी है मेघा? मैं ठीक हूँ जेठ जी। बाबू कह रहे हैं बैठने के लिए तो बैठना। नहीं वो घर पे काम है, मुझे निकलना होगा। जगत पूछ रहा था बापू दिल्ली कब बुलाएंगे और कितना वक्त लगेगा। हम दोनों को यहाँ पे नहीं रहना है। बस थोड़े दिन रुक जा मेघा, दो पैसे इकट्ठा कर लेने दे, उसके बाद मैं तुझे और जगत को बुला लूंगा अपने पास। तुझे तो पता है मैं खुद तेरे भाई और उसकी पत्नी के साथ रहता हूँ, बहुत छोटा सा कमरा है। वहाँ अपना कमरा कब तक हो जाएगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, आसान नहीं है। यहाँ किराए पे कमरा लेने के लिए बहुत सारा पैसा जमा करना पड़ता है। हमारी बहुत याद आती है। मैं कौन सा सुकून से हूँ तुम दोनों के बिना यहाँ? नहीं तो आंखें तरस गई तुम दोनों को देखे हुए। तो ले चलो ना हमें यहाँ से। मेघा कोई तकलीफ है वहाँ? ए मेघा बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज से लग रहा है तू कुछ छुपा रही है। मुझे तकलीफ है पर बता नहीं रही। नहीं कोई परेशानी नहीं है। जगत दादा ये देखो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है। कितना सुंदर है ना मेघा? मेघा कितना सुंदर मोर बनाया इसने। जी बाबू जी। रोज रोज क्या जरूरत है बापू के यहाँ जाके आने की? मेरे माँ बापू का घर है वो, हालचाल पूछने के लिए तो जाऊंगा ना। इसी बहाने मेघा के बड़े हालचाल पूछे जा रहे हैं। मेरे छोटे भाई की बीवी है वो, अकेली है बेचारी। दिल्ली जाते वक्त भजन कहकर गया था सबका ख्याल रखना, तू भी जाया कर।
रोज नहीं तो दो चार दिन में एक बार खोज खबर ले आया कर। बापू ये देखो जोधपुर में सर्कस लगा है, हम भी चलेंगे ना। हाँ और जगत को भी साथ ले जाएंगे। जगत को ही साथ ले जाना, मेघा को नहीं। क्या अनाप शनाप बात कर रही है तू लता? तू आज इतनी चुप क्यों है मेघा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूं माँ, बोलने को कुछ है ही नहीं। माँ हूँ मैं तेरी, फोन पर भी तेरी आवाज से पहचान सकती हूँ। कुछ हुआ है क्या माँ? क्या हुआ है बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं क्या? वो पार्वती बहन और रणछोड़ भाई साहब ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया तुझे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ साफ बता बेटा, दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग? मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा बापू भी हूँ, बता मुझे दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग? रसोई में होगी, देखना। नहीं मिल रही। जाके दादी से पूछ जा। दादी, माँ का? अरे कहाँ होगी? होगी यहीं कहीं। मैंने सब जगह ढूंढा, नहीं मिल रही। बाहर जाके देख जा। मैंने उधर भी देखा, नहीं मिल रही। मैं जब उठा तब कमरे में भी नहीं थी। भाभी, भाभी, भाभी आप यहाँ हो क्या? भाभी, ए धनीराम, हमारी बहू मेघा को देखा क्या? नहीं रणछोड़ भाई साहब, हमने तो नहीं देखा। नहीं बापू, यहाँ तो नहीं आई। बापूजी वही कहीं होगी, यहाँ क्यों आएगी? सुबह उठे तो दरवाजा खुला हुआ था, सब जगह देखा, घर में, आंगन में, अगल बगल में, कहीं नहीं मिली। से किसे चली गई? तू मुझे क्या देख रही है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ गई है? एक काम करते हैं, चल चलकर उसको ढूंढते हैं। बावली होगी। अच्छो काका, अच्छो काका, क्या हुआ रे? दिखी क्या मेघा? वो आपके खेत पर आग लगा ली खुद को। क्या कह रहा तू? मिट्टी का तेल डालकर पूरी तरह से चल गई वो। मेघा, कैसे हो गया रणछोड़ भाई साहब? पता नहीं भाई साहब ये कैसे हो गया। सुबह जब हम सोकर उठे मेघा घर पर नहीं थी, दरवाजा खुला हुआ था, बस तभी से इसे ढूंढ रहे थे। ये मेघा ने खुद नहीं चलाया होगा, इसने मेघा ऐसा क्यों करेगी बापू? ये तेल का डब्बा हमारे ही रसोई का है, स्टोव के लिए इस्तेमाल होता है। आत्महत्या क्यों की तुम्हारी बहू ने? पता नहीं साहब इसने ऐसा क्यों किया, हम तो सुबह से ढूंढ रहे थे। मुझे भी कुछ नहीं पता साहब, मैं इसका जेठ हूँ, पर मैं मेरे बीवी और बच्चे के साथ अलग घर में रहता हूँ। वो रात में तेल का डब्बा लेकर घर से निकल गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला, कोई आवाज़ नहीं हुई क्या? कोई आवाज़ नहीं सुनी, मेरी बेटी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, इसकी सास ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, जिसका बेटा वो तो इसके पास ही सोता है, साहब उसने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी। क्या हुआ बुआ? पता नहीं जगत, लेकिन सब ऐसा क्यों बोले कि माँ मर गई? समझ में नहीं आ रहा, ऐसे क्या हुआ जो उसने आत्महत्या कर? कल रात को कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं रे लता, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, और झगड़ा होता तो आवाज सुनाई देती थी। सोने से पहले भी कुछ भी नहीं बताया मेघा ने। आप क्या बोल रहे हैं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेघा आत्महत्या? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भजन, तेरी तो रोज बात होती थी ना उसके साथ, तू फोन करता था उसे, उसने तुझे कुछ कहा था? आप क्या पूछ रहे हैं भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को अंदाजा नहीं है भजन, मेघा ने अपने आप को आग क्यों लगाई है?
अभी जैसलमेर में उसकी माँ तक बात पहुंचाई है। पुलिस कह रहे लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा, सबको थाने बुलाया है। वजन तू भी जल्दी बाड़मेर आ जा। भैया मेरे मेरे जीजा जी को देखा क्या? हाँ भजन जी, जीजा जी, जीजा जी, आपसे कुछ कहा था क्या उसने? मेघा के परिवार के साथ उसका भाई गुंजन भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर मेघा ने आत्महत्या क्यों की। मेघा की खबर मिलते ही उसकी माँ गायत्री चौहान तुरंत जैसलमेर से बाड़मेर के लिए निकली, जहां मेघा की लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मेघा गुलेरिया ने आत्महत्या क्यों की थी, इस सवाल के साथ एक और अहम सवाल खड़ा हो गया था कि क्या मेघा ने वाकई आत्महत्या की थी? मेघा गुलेरिया ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी? उसने एक कठोर कदम क्यों उठाया? या फिर ये एक हत्या थी जिसे किसी ने बखूबी आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की? मर्डर है या नहीं यह एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर विक्टिम की मां का कहना है पीड़ित सुसाइड नहीं कर सकती, डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। ऐसे में जलने से पहले अगर स्ट्रगल हुआ भी होगा तो उसका कोई निशान ढूंढ पाना अब पॉसिबल नहीं। डेड बॉडी को देखकर मैं इतना कह सकता हूं कि कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और अगर गला दबा करके भी मारा गया हो तो भी अब पता नहीं चल पाएगा क्योंकि गले के आसपास का सारा मांस जल चुका है। तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये सुसाइड है? नहीं, कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेड बॉडी को देखकर लगता है कि ये सुसाइड है। मेरी बेटी को मारा गया है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके सास ससुर और वो जेठ, उसका भूपेन, उन्होंने उसे मार डाला और मिलकर ये सब नाटक रचा रहे। गायत्री जी हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और सबसे सवाल किए जाएंगे, क्या मेघा के ससुराल वालों से दहेज के लिए परेशान करते थे? मेरी बच्ची भीतर ही भीतर सारे दुख दर्द दबा कर बैठी थी, कुछ बोल ही नहीं थी, पर उसकी खामोशी में महसूस कर पाई और समझ गई थी कि उसे उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। दहेज वहेज की कोई बात नहीं है साहब, मेघा से कभी हमने एक हेला तक नहीं मांगा। उससे ब्याह करके आई, हमने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। पता नहीं ये दहेज की बात कहां से आई। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बिना वजह आपकी बहू घनी रात में अपना बच्चा छोड़कर घर से मिट्टी का तेल लेकर निकल गई, खुद को जला। साहब हमने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, अब उसने ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। अगर दहेज नहीं मांगा तो क्यों जला लिया उसने खुद, या फिर मारा गया उसे? मेघा की माँ ने कंचन माँ और बापू का नाम लिया भजन, बोल रही है ये सब दहेज मांग रहे हैं। तुझे सामने आकर बोलना पड़ेगा भजन, तू बता क्या माँ और बापू मेघा से दहेज मांगेंगे? आप बताइए, अगर कुछ हुआ नहीं तो मेघा ने ऐसा क्यों किया? उसने हमें बिना बताए कदम उठाया भजन, तू बोल उससे कुछ कहा था उसने? मेघा कोई तकलीफ है वहां? तेरी आवाज से लग रहा है तू कुछ छुपा रही है। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, बस हमें जल्दी वहां पे बुला लो। हेलो मेघा, कमरा देख लिया किराए पर, अगले महीने में ले रहा हूँ, दो हफ्ते में गांव आ रहा हूँ तुझे और जगत को लेने। ए मेघा अब तो खुश है ना, अब यहीं पे रहेंगे साथ में दिल्ली में, और जगत के लिए अच्छा स्कूल भी देख लिया है। मेघा कुछ बोलना। हाँ मेघा क्या हुआ, हफ्ते भर से देख रहा हूँ तेरी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है मुझे, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बापू, बापू, नाथुराम जी हमने अपनी बहू से कभी कुछ नहीं मांगा, एक धेला तक नहीं लिया उससे, अगर हमने उससे कुछ लिया होता तो आपको पता चलता। हाँ ब्याह के पहले एक साइकिल उन्होंने जरूर दी थी,
लेकिन अब मेघा की माँ हम पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा रही है। नाथुराम जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हैं, आप ही समझाइए उन्हें, ये दहेज वाली बात बिल्कुल गलत है। छोरी मरी है उनकी, आत्महत्या की है उसने। अरे तो हमें थोड़ी पता कि उसने अपनी जान क्यों ली। क्यों ली, कैसे ली, इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे ना। भजन और उसके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं थी। इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा कि अचानक यूं ही मिट्टी का तेल लेकर के आपकी बहू खेत में यूं ही शौकिया तो अपने आप को आग नहीं लगा लेगी ना। हमारे घर में उसकी किसी से कोई बातचीत नहीं, अगर हुई होती तो हमको पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग उसे कम से कम उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं। देखो भाई, हम पंचायत के मुखिया भले ही हों, पर ये दहेज के दबाव में आत्महत्या का मामला है, तो हम पुलिस पे जोर दे ही नहीं पाएंगे। और जब मेघा की माँ कह रही है कि आप लोगों ने दहेज मांगा है, तो किसी के परिवार के अंदर की बात में हम दखल कैसे दे सकते। पता चला मेघा ने सुसाइड क्यों किया था? वो बात तो पता नहीं, लेकिन एक बात पक्का है कि इस गुलेरिया खानदान में कुछ तो बातें हैं जो अंदर ही अंदर पकड़े। मतलब साहब, भजन काफी टाइम से शहर से बाहर काम करता था, ऐसे में उसकी जवान बीवी घर पे अकेली रहती थी, शायद उस पर कई लोगों का नजर रहा, गाँव वालों की और साथ में शायद घर वालों के। भजन के गैर मौजूदगी में मेघा का जेठ भूपेन ही उसको उसकी माँ के गाँव ले जाया करता था। और तो और साहब, भूपेन अपने बेटे राकेश के साथ जगत को भी मेला दिखाने ले जाया करता था, साथ में मेघा भी होती थी। देख सोनू, साफ साफ बता तेरा इशारा किस तरफ है, घर के अंदर ही कुछ चल रहा था, ये भूपेन ने कुछ किया? साहब वही तो बात है, कोई भी साफ साफ कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि भजन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो कहता हूँ साहब, इन सब को उठा के धुलाई कीजिए, सब के सब सच बता देंगे। मेघा गुलेरिया के ससुर रणछोड़ गुलेरिया, सास पार्वती गुलेरिया और ननद कंचन गुलेरिया पर दहेज मांगने और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धाराएं लगाई गई। आप अच्छी तरह जानते हो जीजा जी कि आपके परिवार वालों ने मेरी बहन को मजबूर किया कि वो खुद की जान ले ले। पिछले एक महीने से मुझे लग रहा था कि कोई बात है जो जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, पर वो खुल कर बता नहीं पा रही है। बाप की मर्जी है जीजा जी, आपको अपने परिवार वालों का साथ देना तो आप दो, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने अपनी मेघा खोई है और उसके गुनाहगारों को हम छोड़ेंगे नहीं। लोगों ने हत्या की है दामाद जी, हत्यारों का साथ दे रहे, अपनी पत्नी मेरी बेटी मेघा के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। आत्महत्या क्यों की उसने, ये बताओ मुझे। फोन पे चुप्पी साथ के बैठे थे, कुछ बताया नहीं रही, ये सब कविताएं मत सुनाओ। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कई बार पूछा मेघा से कि क्या बात है मेघा बता, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। लेकिन उससे बात करते वक्त मुझे एहसास होता था कि वो तकलीफ में तो थी। उसकी माँ ने अपने बयान में कहा है कि उसे पता चल गया था कि उसकी ससुराल में दहेज मांगा जा रहा है। तुमने कितने मांगे थे बच्चा? कोई दहेज नहीं मांगा साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। मैं तो मेघा से प्यार करता था, और बहुत प्यार। मैं उसे दिल्ली भी ले जाने वाला था, कपड़ा भी देख लिया था, मैंने उसको बोला था मैं 2 हफ्ते में आऊंगा उसे लेने, लेकिन देखो 1 महीने से मेघा गुलेरिया अपने पति भजन गुलेरिया से फोन पे बात करते वक्त तकलीफ में थी। भजन गुलेरिया ने यह बयान दिया है उसे सब पता था, लेकिन भजन गुलेरिया एक बार भी दिल्ली से वापस अपने गांव आकर अपनी पत्नी के आमने सामने बैठकर ये नहीं पूछता कि उसकी तकलीफ क्या है। मेघा के पति भजन को यह कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी पत्नी ने उसे अपनी तकलीफ के बारे में क्यों नहीं बताया। मेघा के ससुर, सास और उसकी ननद पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, लेकिन वो शुरू से ही इस बात को मना करते आ रहे थे कि उन्होंने कभी भी मेघा से दहेज की मांग की। उनके बयान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने मेघा को आत्महत्या के लिए उकसाने के इल्जाम से साफ इनकार किया। वो इस अपराध को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। मेघा किसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन किस बात को लेकर परेशान थी ये बता पाना मुश्किल है। मतलब दहेज के अलावा भी कुछ और था? अबे मैं कैसे बताऊं सर। हाँ, लेकिन मैंने कई बार उसको रास्ते में देखा था जब वो अपने ससुर के लिए खाना लेकर आती जाती थी, तब उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता। अच्छा, ये भजन का बड़ा भाई भूपेन
ये अपने परिवार से अलग क्यों रहता है? कहानी क्या है? ये उनके परिवार का निजी मामला, आप नाथूराम जी से पूछिए ना। दोनों भाइयों में फैसला हुआ कि छोटा भाई शहर में कमा रहा है, इस वजह से बड़ा भाई भूपेन या खेती बाड़ी का पूरा काम देखे, वो खेती से होने वाली आमदनी का ज्यादा हिस्सा बोलेगा। और उसने अपना घर भी बनवाया और परिवार के साथ रहने उसमें चला गया। नाथूराम जी, क्या सच में ये मामला सिर्फ दहेज का है? अब केस तो इसी का बना है, तो हमें लगा यही होगा। आपको कुछ और लगता है क्या? केस तो यही बना है, पर सबसे पूछताछ करने के बाद एक बात घटक रही है, क्या दहेज के अलावा कोई और बात हो सकती है? क्योंकि मेघा ने ना तो अपने पति को कुछ बताया और ना ही अपनी माँ से कुछ साफ साफ कह रही थी, और दहेज की बात पर मेघा की माँ कह रही हैं कि उन्हें आवाज तब हुआ जब मेघा ने उन्हें फोन पर सिर्फ हाँ कहा। क्या चल रहा है वहाँ मेघा? सिर्फ दहेज की बात है क्या? हाँ। देख बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कल ही पार्वती बहन से बात करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ससुराल में कोई बात मत कर। क्यों ना करूँ, हमारी हैसियत वो जानते हैं। हमने साफ साफ बता दिया था कि हमारे पास क्या, और जो दे सकते थे वो दिया भी था। अब 5 साल बाद ऐसे कैसे वो दहेज की मांग कर सकते? माँ तू रहने दे, बात और बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? कुछ और बात है क्या? क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताएगी भी? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे, सब ठीक है। नाथूराम जी, आपके गाँव के घर में एक बहू परेशान थी और पूरे गाँव को उसकी खबर भी थी, लेकिन वक्त रहते किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की। मेघा ने की क्या? मेघा की माँ को पता था, उसने की क्या? तब हम बहुत दुखी कि गांव में बहू के साथ ऐसा कुछ है। भजन बहुत मेहनती है। ठीक है, अब विक्रम जी। जी, आप भूपेन के साथ थोड़ी शक्ति कीजिए ना। क्यों, वो कुछ जानता है? इसीलिए तो कहा है शक्ति कीजिए, अलग रहता है लेकिन है तो एक ही परिवार का, आप शक्ति करेंगे तो शायद कुछ निकल के आ जाए। दहेज की मांग के अलावा क्या कोई और बात भी थी जिसकी वजह से मेघा गुलेरिया परेशान थी, और क्या ये बात कभी सामने आ पाएगी? क्या इस बात का ताल्लुक मेघा के जेठ भूपेंद्र गुलेरिया से था? माँ, भजन भैया ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मेघा ने जैसे अपनी माँ को बताया वैसे ही जगत को भी कुछ बता के गई है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैंने जगत से बार बार पूछा पर वो कुछ कह नहीं रहा था। माँ, वो तकलीफ में थी क्या बेटा? दादी और दादा ने माँ को बहुत परेशान किया था। बुआ माँ पे चिल्लाई थी क्या? तेरे को कुछ बोला था माँ ने? बड़े पापा ने माँ को कुछ कहा था क्या? माँ रो रही थी क्या? कई बार जब मेघा को अपने मैके जाना होता था, मैं खुद उसे यहाँ बाड़मेर से जैसलमेर छोड़ कर आता था। अलग रहते थे सर, मगर घर के किसी भी परिवार के बीच किसी के लिए भी दिल में कोई दरार नहीं थी। मैं जैसे अपने बेटे राकेश को कहीं घुमाने ले जाता या मेले में लेके जाता था, तो उसके साथ जगत को भी ले जाता था साहब। और क्या क्या करते थे आप? क्या मतलब है साहब आपका? जो भी पूछना है साफ साफ पूछे साहब। एक तो आप लोगों ने मेरे माँ बापू और बहन कंचन को अपनी हिरासत में रखा है दहेज के आरोप। आप ही सोचिए साहब, अगर उन्होंने मेघा से दहेज मांगा होता तो मेघा इतनी बार अपने मैके जाती थी, कभी उसने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा? फोन पर इतना बात करती थी, खास उसके लिए भजन ने घर पे फोन का कनेक्शन लगाया था। फोन पर किसी को बता दी मगर नहीं बताया। मैं नहीं जानता साहब आपको ये सब किसने बताया। अच्छी भली खुश थी मेघा हमारे घर में, सब उसका ख्याल रखते थे, जगत से भी सब लाड़ करते थे साहब। इतना ही प्यार था तो सुसाइड क्यों किया उसने? मैं नहीं जानता साहब, और ये भी नहीं जानता कि उसने आत्महत्या क्यों की। होगी उसकी कोई तकलीफ जो किसी को बताना नहीं चाहती, मगर अब हम क्या करें साहब? मेरा पूरा परिवार जेल में सड़ रहा है, बेल नहीं हो पा रही है। अगर शादी के 7 साल में लड़की के साथ दहेज के लिए कुछ होता है तो आरोपी लंबे वक्त के लिए अंदर जाते हैं। मेघा की शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए, भूल जाओ, तुम्हारे माँ बापू बहन बाहर आए। मेघा ने पता नहीं क्या कह दिया उसे फोन पर, ऐसा केस बना दिया कि किसी को बेल नहीं मिल पा रही। ऊपर से तू ये बयान देकर आया कि मेघा तकलीफ में थी। मेघा तकलीफ में थी भैया,
मेरे जब भी उससे बात होती थी तो मुझे एहसास होता था। मगर अब जब वो नहीं रही तो तुझे अपने परिवार के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? तो झूठ बोलता क्या? और सच बोलने से जो माँ बापू और कंचन तकलीफ में आ गए उसका क्या? देख भजन, अब जब मेघा मर चुके हैं तो तुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। ये सच और झूठ एक तरफ है, मगर जब परिवार की बात आती है ना तो सिर्फ परिवार मायने रखता है और कुछ नहीं। और मेघा, वो हमारा परिवार नहीं थी क्या? बेवकूफों जैसी बात मत कर। तू तो पहले दिन से उस मेघा के प्यार में अंधा और बावला हो गया था, मगर अब वो मर चुकी है। अभी आंखें खोल। देख, मैं कुछ नहीं जानता। तू पुलिस में जो भी बयान देके आया वो रहने दे, मगर अब तू अदालत में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि मेघा ने तुझसे कहा था कि वो तकलीफ में थी। मेरी बीवी अब मर चुकी है, मगर माँ बाप और कंचन अभी भी है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा। सुनो सुनो, एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम उसके अपने परिवार के प्रति निष्ठा के बीच दीवार बनकर खड़ा होने जा रहा था। इंसाफ का तराजू किसी भी तरफ झुके, पर फैसला भजन गुलेरिया के दिल को चीर कर रख देने वाला था। योर ऑनर, यहां पर हर कोई एक ही बात बोल रहा है, मेघा परेशान थी, तकलीफ में थी। मेघा गुलेरिया से गुलेरिया परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए किसी भी तरह का सबूत अब तक पेश नहीं किया गया। योर ऑनर, केरोसिन कैन जो गुलेरिया परिवार के किचन से है, गुलेरिया परिवार के घर का दरवाजा खुला पाया गया 8 सितंबर की सुबह। मेघा गुलेरिया कहीं भी किसी को भी नहीं मिली, ढूंढने पर भी नहीं, और खेतों में मिली वो भी जली हुई हालत। योर ऑनर, एक 23 साल की औरत जिसने अपनी मां से साफ साफ कहा था, उसकी मां यानी कि गायत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में मेघा गुलेरिया के ससुराल द्वारा मेघा से दहेज की मांग की थी, और यही बात उसने कोर्ट में भी कही थी। लेकिन सबूत कहां है योर ऑनर? मेघा ने अपनी मां के साथ फोन पर बातचीत की, यह सबूत नहीं हो सकता। पर उसने सुसाइड किया है, यह बात तो सामने है पुरोहित। क्या इस सुसाइड की कोई और वजह थी? वजह हो सकती है, कोई मतभेद हो सकता है, कोई दबाव हो सकता है, किसी किस्म का संघर्ष हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। कुछ भी हो सकता है योर ऑनर, क्योंकि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। योर ऑनर, मृतक महिला को ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी की शिकायत नहीं थी। डिफेंस लॉयर अपने बचाव में गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि मेघा गुलेरिया तकलीफ में थी, और इस बात का जिक्र सिर्फ उसने अपनी मां से नहीं, फोन पर बात करते हुए कई बार अपने पति से भी किया था। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मेघा गुलेरिया के साथ तकरीबन 7 से 10 मर्तबा आपकी फोन पर बात हुई थी, और इस दौरान आपने महसूस किया था कि वो किसी परेशानी में है। अगर आपने ये महसूस किया था कि मेघा किसी परेशानी में थी तो अदालत को बताइए जरा, वो परेशानी, वो तकलीफ क्या थी। मेरे ख्याल से गवाह को बात करने दी जाए तो अच्छा हो। ये बात सच है कि मैं अपनी पत्नी मेघा से कई बार फोन पे बात किया करता था, और उससे बात करते वक्त मुझे कई बार लगा कि वो तकलीफ में थी। आपने ये बात इसलिए बताई क्योंकि आपको ऐसा लगा था, या मेघा ने आपको बताया था? मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि माँ बापू या कंचन ने दहेज की कोई बात की उससे। तो क्या आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि मेघा किस तरह की तकलीफ में थी, या फिर कोई और वजह थी?
अरे भाई, आप तो यहीं थे ना गांव में। मेरे शहर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेघा ने? जो हुआ उसे भूल जा, अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तू अपने आप को संभाल। जगत की जिम्मेदारी है तेरे पे। अरे भाई, मेघा ने आत्महत्या कर ली और पुलिस वाले मेरे घर वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे। ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है, जाने बगैर सोचना कैसे छोड़ दूं? आप ही बता दो, मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों ने मेघा के साथ कुछ किया था क्या? मुझे लगता है शायद मेघा तेरे घर में खुश नहीं थी। कोई तो बात थी जो उसे खाए जा रही थी। कौन सी बात थी अरे भाई, क्या बात थी? मेघा ने कभी आपको बताया या आपने देखा हो? वो शायद शायद क्या अरे भाई, शायद क्या? शायद उसे तेरे घर वालों की कोई बात बुरी लगी थी। अब किसने क्या किया मुझे ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो जल्द से जल्द तेरे पास शहर में आना चाहती थी। उर्मिला काकी, मेघा ने कभी आपसे कोई बात की थी? बात तो अक्सर हो जाती थी भजन, लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। हाँ, उदास उदास ही रहती थी मेघा, लेकिन मैंने भी कभी कुछ पूछा नहीं। और अब जो तेरे घर वालों पे आरोप लगा है, कभी सोचा नहीं था कि तेरे माँ बापू कंचन मेघा के साथ घर के अंदर ऐसे व्यवहार करते होंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मेघा ऐसा कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात क्यों नहीं की? लेकिन अब जो दहेज की बात सामने आई है, शायद 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 क्या काकी? भजन, तू अपने घर वालों के साथ चला। देख, मेघा तो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। मैं नहीं जानता कि मेघा ने आत्महत्या क्यों की। योर ऑनर, भजन और गायत्री के गवाही में पिछले महीने भर में मेघा के साथ फोन पर जो बातचीत हुई, उसमें एक ही बात बोली जा रही कि मेघा परेशान थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि ये आत्महत्या, क्योंकि बॉडी पर किसी भी तरह के घाव अन्य कोई भी निशान नहीं पाएगी। योर ऑनर, सबसे पहली बात, पीड़ित की लाश बहुत ही बुरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई है। अगर ये हत्या है, ये हत्या है ऐसा साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। इसीलिए तो कहा कि अगर ये हत्या है तो लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई हालत में मिली है कि किसी भी प्रकार की कोई चोट या कोई निशान, इसका पता लग पाना बहुत ही मुश्किल था। योर ऑनर, इस पूरे मामले में दो बातें बहुत अहम है जो अभी तक साबित ही नहीं हुई। पहली बात, आईपीसी सेक्शन 498A, इस पूरे मामले में दहेज के मांगे जाने का कोई भी सबूत नहीं है। दूसरी बात, आत्महत्या के लिए उकसाने की, इन दोनों बातों को प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया। ये कोई असामान्य बात नहीं, बहुत से दहेज के मामलों में सामाजिक दबाव में आकर औरतें चुप रह जाती हैं और केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। योर ऑनर, उस चुप रहने वाली महिला की जिंदगी में एक मजबूत माँ, एक देखभाल करने वाला पति भी था, लेकिन इन दोनों को भी उसने कुछ नहीं बताया। ये नहीं बताया था कि उसकी सास ससुर और ननंद दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इसके पति ने अदालत में बताया कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद उस पत्नी ने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। योर ऑनर, अगर दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया गया है तो फिर उसने आत्महत्या क्यों की? यही तो सवाल है योर ऑनर। बिना किसी को अपनी तकलीफ बताए उसने अपनी जान ले ली, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता ना कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे टॉर्चर किया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। योर ऑनर, दहेज के मामलों में चुप्पी असामान्य नहीं है, लेकिन और एक बात है जो असामान्य नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में कोई किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने आत्महत्या ही की, लेकिन उसके उठाए गए इस कठोर कदम का असल कारण का पता ना होने की वजह से इसे दहेज का केस समझ लेना ये उचित नहीं होगा। योर ऑनर, मेघा गुलेरिया की आत्महत्या की सुनवाई पूरे 2 साल तक अदालत में चली और उस दौरान गुलेरिया परिवार टूटते हुए दिखा। शायद इस केस का सच आत्महत्या करने से पहले मेघा की सादी गई चुप्पी के साथ ही जा चुका था। मेघा की मौत ने कई सारी जिंदगियां तबाह कर दी और अब आगे उसके केस का फैसला और तबाही मचाने वाला था। मेघा की मौत ने कई सारी जिंदगियां तबाह कर दी थी और अब आगे उसके केस का फैसला और तबाही मचाने वाला था। एक 23 साल की महिला का अपने ससुराल में आत्महत्या कर लेना बेहद दुखद है। उससे भी दुखद बात यह है कि वो एक माँ भी थी। उसे न जाने किस परिस्थिति ने यह कदम उठाने पर मजबूर किया
लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो वास्तव में सुनिश्चित कर सके कि मेघा गुलेरिया ने दहेज की मांग के कारण ही आत्महत्या की। अदालत मेघा गुलेरिया की मौत में तीनों आरोपी रणछोड़ गुलेरिया, पार्वती गुलेरिया और कंचन गुलेरिया को सबूतों के अभाव के आधार पर बरी करती। माफ करना माजी, मैं मेघा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी बच्चन। मेघा मेरी इकलौती बेटी थी, तुम सबने उसे मार डाला। अब से हर दिन मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम सबकी जिंदगी बद से बदतर बना दे, इतनी तकलीफ दे कि तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाए, तुम और तुम्हारे सारे परिवार का विनाश हो जाए। भजन गुलेरिया और उसके परिवार के लिए जिंदगी अब आगे कभी भी आसान नहीं होने वाली। भैया 2 किलो चावल देना। माफ करना लता भाई, पंचायत ने गुलेरिया परिवार का बहिष्कार किया, कोई भी लेन देन से मना किया, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। माँ, माँ, दुकानदार ने हमें कुछ भी देने से मना कर दिया है। क्यों? पंचायत का फैसला है कि हमारे परिवार को कोई कुछ नहीं देगा। अदालत ने छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग बेकसूर हो। मेघा की माँ जैसलमेर में रहती है, अब वहाँ के पंचायत का फरमान हमारे गांव के लोगों पर क्यों लागू कर रहे हैं? तुम लोगों ने उनकी बेटी को तकलीफ दी है, जान से मारा है। हमने नहीं मारा उसे, मैं, माँ, बापू, कंचन, हमने मेघा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी और उससे कुछ भी नहीं मांगा कभी। दहेज के अलावा और भी बहुत सारी बातें सुनने में आई है। क्या सुना है आपने? कि मेघा के साथ घर के अंदर अभद्र व्यवहार हुआ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप नाथूराम जी? भजन तो कुछ बोलेगा। नाथूराम जी, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। मेघा के जाने का गम सबसे ज्यादा मुझे, और ये गम जिंदगी भर सताएगा मुझे। गलती मेरी है, कसूरवार मैं, उसको छोड़ के मुझे शहर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था यहीं गांव में। पंचायत ने भजन और भूपेन की विनती को मान लिया और उनके बहिष्कार करने के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन अब भी इस परिवार की जिंदगी में कुछ और ज्यादा तबाही आनी बाकी थी। दीप के घर वालों ने कंचन से रिश्ता तोड़ दिया है। भजन बोल रहे वो जेल जाकर आई है, वो नहीं चाहते कि कंचन उनके घर जाए। माँ से बोल देना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। याद आती है बापू। मुझे भी याद आती है। माँ ने ऐसा क्यों किया बापू? रात को उसको पकड़ के सोया था। माँ उसको क्यों छोड़ के चले गए बापू? उसने ऐसा क्यों किया? मेघा गुलेरिया ने आखिर आत्महत्या क्यों की?
उसने ये कठोर कदम क्यों उठाया। सच तो ये था कि इस कहानी में दहेज की कोई बात ही नहीं थी, किसी की तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं की गई। मेघा का पति भजन समझ ही नहीं पा रहा था कि मेघा की आत्महत्या करने की वजह क्या थी, और उस वजह को जाने बिना उसका मन शांत नहीं हो रहा था। इसलिए उसने उस सच का सामना करने की ठानी जो उसके मुताबिक मेघा की आत्महत्या का कारण हो सकता। मेघा की मां ने मुझे श्राप दिया था, देख बापू भी चला गया और माँ भी चली गई। माँ और बापू अंदर से टूट गए थे भजन। मेघा रोज मेरे सपने में आती है और मैं हर बार उससे पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। सब दहेज की वजह से हुआ था, मैं नहीं मानता। मैं 4 साल यहीं पे था सबके साथ, माँ बापू या किसी ने कभी दहेज की कोई बात ही नहीं की। काश वो हमें बता के जाती कि वो ऐसा कुछ करने वाली, क्यों करने वाली। काश हम उसे रोक पाते। एक बात पूछूं भैया? मैं जानता हूँ भजन, कंचन की शादी करनी है, मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, मगर तू भी जानता है आसान नहीं है। मगर अभी भी तेरे लिए लड़की ढूंढना मुश्किल नहीं है भजन, तेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, तू दूसरी शादी कर ली। जगत बड़ा हो रहा है, उसे भी माँ की ज़रूरत है। मैं मेघा को कभी भूल नहीं पाऊँगा भूपेन, और हाँ मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूरा गांव मुझसे पूछना चाहता है, सब बातें भी करते हैं, बस कभी कोई मुंह पे नहीं कहे। लता ने भी कई बार आड़े टेढ़े तरीके से पूछने की कोशिश की। नहीं पूछना चाहता है ना तू कि क्या मैंने या बापू ने कभी भी मेघा के साथ कुछ गलत किया? खामोश थी, मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन उसी खामोशी नहीं टूटी। मुझे कुछ बताने से बताने से ज्यादा खुद को आग लगाना आसान लगा। सोचकर भी रूह कांप जाती है, कितना दर्दनाक रहा होगा। मैंने या बापू ने मेघा के साथ कुछ गलत नहीं किया, हम जानते थे कि वो दुखी थी, कई बार उससे उसका हाल पूछने की भी कोशिश की थी हमने। जगत दादा ये देखो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है। कितना सुंदर है, है ना मेघा? मेघा बेटा इधर, देख रहा हूँ आजकल तू कुछ उदास से रहती। नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे माँ के घर जाना चाहती तो जाओ, आप कुछ दिन वही रह लेना। नहीं बाबूजी मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा ठीक तो नहीं है, जब भी तू खाना देने आती है मुरझाई से रहती है, कहीं कंचन ने तो कुछ नहीं कहा या पार्वती ने कुछ कह दिया? नहीं बाबूजी। बापू ने मुझसे कहा था पता कर, कई बार मैंने उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश की, सोचा था उसका दिल बहल जाएगा। बापू के कहने पर कई बार उससे कहा तुम्हारी माँ के पास जैसलमेर छोड़ा था, मगर उसके मुंह पर वही खामोशी बंधी रही। तो जब आप लोगों को पता था तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या उसने तुझे कभी बताया? फिर तो रोज बात होती थी ना उसके साथ, जबकि उसकी आवाज सुनकर तू जान गया था कि वो ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों खामोश रही। आप करने भैया, मैंने आप पर और बापू पर जो बीत गया सो बीत गया भजन, मगर उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए जितना तू अंदर से तिलमिला रहा है ना, नहीं हम भी बेचैन। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया भैया? कोई तकलीफ नहीं थी उसे घर में, तो बिना कुछ बताए किसी को ऐसे रात में अचानक? मेघा ने ऐसा कदम क्यों उठाया ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जानता था, पर क्या वो आदमी सामने आकर कभी सच बोलता? मुबारक हो कमल, लड़का हुआ है। चंदा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं।
ये आधा तुझ पे गया है और आधा मुझ पे गया है। ये देख चंदा, मुझे तो लगता है पूरा तुझ पे ही गया है कमल। क्या चंदा की सिर्फ शक्ल मेघा गुलेरिया से मिलती थी, या फिर वो मेघा गुलेरिया ही थी जो चंदा बनकर जी रही थी? ये अपने आप में एक अनोखा मामला था, एक ऐसा मामला जिसने कई जिंदगियां तबाह की थी और शायद आगे भी करने वाला था। कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम इस कहानी की लंबी यात्रा को उजागर करेंगे जो साल 2003 से चली आ रही थी और जिसने कई विचित्र मोड़ लिए थे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।